इसे आप आराम से छोटा इन्वर्टर या मिनी पावर बैंक कह सकते हो, क्योंकि ऐसा ही काम करता है। पीछे की तरफ से आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। मैं आपको टेस्टिंग कराता हूँ। प्लग को लगाने पे ये बल्ब अच्छे से जल रहा है, काफ़ी रोशनी भी है इस बल्ब की। केबल को इसमें और मोबाइल को दोनों में लगा लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस के फ़ोन भी अच्छे से चार्ज हो रहे हैं, और इस 5 वोल्ट के चार्जर के हेल्प से आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। बस इसमें लगाना है और चार्ज होगी। अभी ये रेड बल्ब ब्लिंक कर रही है, मतलब कि चार्जिंग पे है। फुल होने के बाद बंद हो जाएगी। मोबाइल चार्ज लगाने के बाद भी ये ब्लिंक करेगी। तो चलिए अब इसे कैसे बनाया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पीवीसी पाइप का सीट या फिर एमडीए बोर्ड का जो सीट आता है उससे 4 पीस कट कर लेना है। चारों पीस का गाइस जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका ब्रेथ 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये है गाइस लाइन बोर्ड में लगने वाला 5 पिन का सॉकेट और स्विच। आपको 5 पिन का सॉकेट 2 लेना है और स्विच 1 लेनी है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। ये स्विच और सॉकेट को इस एमडीए बोर्ड में फिक्स करना है गाइस। तो चलिए इसको हम इसके मेजर से ही कट कर लेते हैं। लीजिए गाइस, तो मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। आपको इस तरह से इसे कट करना है ताकि ये जो स्विच और ये सॉकेट है वो अच्छे तरीके से इस सेंटर में फिट हो सके। यहाँ पे जो होल दिया गया है इसमें पेंसिल से मार्किंग करके होल कर लेना है, और इसके साथ गाइस हमें छोटा सा नट बोल्ट मिलता है तो इसे भी हम लोग फिक्स कर ही लेते हैं। सारा नट बोल्ट और स्विच सॉकेट को इस एमडीए बोर्ड ने फिक्स कर लिया है और कनेक्शन भी कर लिया है। ये रेड वायर को मैंने दोनों सॉकेट का एक एक लेग के साथ जोड़ा है, और इसी वायर को मैंने स्विच वाले पॉइंट पे फिक्स किया है। यहाँ से जो वायर निकला है वो बैटरी के पॉजिटिव में जाएगा, और इस ब्लू वाले वायर को दोनों सॉकेट का जो सेकेंड लेग है गाइस उसमें एक साथ कनेक्ट किया है, और ये जो वायर निकला है ये बैटरी का नेगेटिव में जाएगा। अब गाइस इस एमडीए बोर्ड को दूसरे वाले एमडीए बोर्ड पे अच्छे तरीके से चिपका लेना है, और दूसरे वाले एक पीस को इस तरह से रखकर पेंसिल से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद स्केल से मेजर करना है। गाइज मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि 2 पीस कट करके और दोनों साइड से हमें फिक्स करना है, यानी इसको ब्लॉक करना है। यहाँ पे दोनों पीसों को मैंने कट कर लिया है, अब इसे चिपका लेते हैं। गाइज मैं ये सब पहले से ही करके रखता हूँ ताकि आपका टाइम बचा रहे। ये जो कार्डबोर्ड है गाइस पीछे की तरफ इस तरह से लगने वाला है, और इसमें ही ये 5 वोल्ट का पावर बैंक मॉड्यूल लगेगा जिससे बैटरी चार्ज हो सके। उसके लिए इस कार्डबोर्ड पे मेजर करके कट कर लेना है। यहाँ पे अच्छे से कट हो चुका है, और मैं पावर देने के लिए यहाँ पे मोबाइल के बैटरी यूज करूंगा। ये तीनों सारे पैरेलल में ज्वाइंट है, लगभग 6000 mAh के होगी। चाहे तो ऐसा वाला लिथियम बैटरी भी यूज कर सकते हैं, ये भी लिथियम ही है। गाइज मैं इसका सारा कनेक्शन करके आपसे मिलता हूँ। वो दोनों वायर स्विच और सॉकेट का मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और बैटरी में से 2 वायर और निकालकर चार्जिंग मॉड्यूल को पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए कनेक्ट किया है। ऊपर वाला कार्डबोर्ड को मैंने चिपका दिया है, और इस तरह का छोटा छोटा पीस करके यहाँ पे कोने में लगाएंगे। हम लोग इसे नट पे कसेंगे, बाद में कोई भी दिक्कत आए तो खोल कर देख सके। इस वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक दे दो, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ नीचे में भी 4 बोर्ड का पीस लगा दिया है स्टैंड के जैसा, और ये स्क्रू से पीछे में कस देंगे अच्छे से। इस बॉक्स में पेंट भी कर लेंगे। गाइस आपके घर में खराब एलईडी तो पड़ी ही होगी, तो उसे आपको लेना है और ऊपर वाले व्हाइट पार्ट को हटा लेना है, और इसके नीचे वाले अल्मोनियम प्लेट और इसके अंदर एक किट रहता है उसे भी फेंक देना है, कोई काम का नहीं है। और इसमें सिर्फ 2 वायर को कनेक्ट करना है। इस पॉइंट से दोनों वायर को जोड़ना है, और इस प्लेट से बल्ब को हटाकर दोनों वायर इसमें डालकर फिक्स कर देना है इस बल्ब में। और यहाँ पे मैं 3-5 वोल्ट का एलईडी बल्ब लूंगा, और वायर को सोल्डरिंग करके ऊपर से व्हाइट वाले पार्ट को लगा देंगे। गाइस मैंने पेंट कर दिया है, कमेंट में बताना कैसा लगा। अब आपको ऐसे बल्ब और होल्डर लेना है।
सॉकेट में लगा लेते हैं। गाइज इस सॉकेट से हमें 3.7 वोल्ट ही मिलेगी क्योंकि मैंने इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी ही लगाई है, इसलिए मैंने इस बल्ब में 3-5 वोल्ट का LED लगाया, स्पेशली इसके लिए ही बनाया है। बल्ब को होल्डर में लगा कर ऑन करते हैं। ऑन करने पे ये नहीं जलेगी क्योंकि सॉकेट से 3.7 वोल्ट आ रही है, लेकिन ये DC करंट है और इसमें प्लस माइनस देखा जाता है। इसी प्लग को मैं पलट कर लगाऊंगा तो बल्ब जलेगी। गाइस देखो ये बल्ब जल गई, काफी रोशनी दे रही है ये बल्ब। इसके पीछे मैंने पावर बैंक मॉड्यूल लगाया है, इसका भी टेस्टिंग कर लेते हैं। केबल को लगाते हैं और मोबाइल में भी लगाते हैं। इस फोन भी अच्छे से चार्ज हो रही है, इससे आप आराम से 4-5 बल्ब जला सकते हैं, लेकिन ऐसा बल्ब बनाना पड़ेगा। फोन भी आराम से चार्ज कर सकते हैं। गाइस ये इन्वर्टर बॉक्स या फिर ये जुगाड़ आपको कैसी लगे कमेंट में बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।